तो हेलो गाइस, हम आ चुके हैं एक और बार नई वीडियो लेके। और ये है कि पबजी अपडेट कैसे करें। आज सुबह से सब लोग सोच रहे होंगे कि पबजी अपडेट कैसे करें, क्योंकि पबजी तो बैन है इंडिया में। तो चलिए इस वीडियो में हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे और आपको हम डाउनलोड करके भी दिखाएंगे और उसके फीचर्स भी दिखाएंगे इस वीडियो में। तो तब तक के लिए आप इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब कर दो चैनल को और घंटी दबा दो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलो हम पहले वो क्रोम को ओपन कर लेते हैं। ये ओपन, अरे ये क्या है? पबजी कॉरपोरेशन रिलीजेस ऑफिशियल स्टेटमेंट ऑन द फ्यूचर ऑफ पबजी मोबाइल इन इंडिया। चलो पहले इसको देख लेते हैं। पबजी कॉरपोरेशन हैज़ डिसाइडेड टू टेक ओवर द डेवलपमेंट ड्यूटीज ऑफ इंडियन वर्जन ऑफ पबजी मोबाइल। पबजी मोबाइल इज एन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑफ पबजी कॉरपोरेशन, अ साउथ कोरियन कंपनी। आ ये भाई क्या ही दिया है, क्या ही न्यूज़ दिया है इन्होंने। इसका मतलब है कि जल्दी पबजी मोबाइल प्ले स्टोर पर भी आ जाएगा इंडियन वर्जन में। तब तक के लिए तो आपको अपडेट करना तो पड़ेगा, नहीं तो कैसे खेल पाओगे। तो चलिए पहले उसका जुगाड़ कर लेते हैं। तो आपको सर्च पे आना है और सर्च करना है pubgmobile.com। अरे या क्या टाइप हो गया, pubgmobile.com ये हो गया। इस पे आपको यहाँ पे ऊपर आ जाएगा, इस पे क्लिक करो। ये देखो यहाँ पे आ गया है। तो आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ यहाँ पे एक डाउनलोड दिख रहा होगा आपको। यहाँ पे परचेस के बिसाइड आपको एक डाउनलोड ऑप्शन दिख रहा है, उस पे क्लिक कर दो। क्लिक करने के बाद थोड़ी देर रुकने के बाद, थोड़ी देर मतलब 5 से 10 सेकेंड्स, अगर नहीं हो रहा है तो एक और बार क्लिक कर दो। अरे क्लिक हो जा भाई। हाँ ऐसा ऐसा एक पॉपअप आएगा, तब आपको ओके दबाना है। ये देखो शुरू हो गया, डाउनलोड होना शुरू हो गया। मैं इसको एक और बार नहीं डाउनलोड नहीं करूँगा, क्योंकि मैंने पहले से ही डाउनलोड करके रखा हुआ है। तो आप ये इसको कैंसिल कर देते हैं। तो डाउनलोड करने के बाद सीधा जाना है आपको। ये देखो मेरा पबजी ओपन हो गया। तो इसको सीधा जाने ओपन करना है सीधा। और ओपन होने के बाद ये लगभग लगभग 14 अपडेट्स मांगेगा, जो करीब करीब 50 MB के है। तो 14 अपडेट्स के बाद ये होगा लोड, कंपाइल होगा। रिसोर्सेस ना कंपाइल होंगे। इसके बाद कंपाइल होने के बाद आपको लॉगिन होना रहता है फेसबुक, ट्विटर या प्ले गेम्स, गूगल प्ले गेम्स से, तब आपका डाउनलोड कंप्लीट हो जाएगा। तो अभी आप देख सकते हो मेरा पबजी लोड हो रहा है अभी। तो रुकेंगे, अब इसका वेट इंतज़ार करेंगे कब होगा ये लोड। ये तो लोड हो रहा है अभी। अरे जल्दी हो जाए यार। ओ भाई क्या एनिमेशन है, भाई क्या एनिमेशन है। अरे मिल्टा पो, अरे भाई, अरे भाई भाई, वेलकम टू न्यू एरेंगल। ओ एरा का मतलब एरेंगल था। अरे यार, तो ये ओपन हो चुका है हमारा। क्या है इसमें न्यू फीचर्स? ओ भाई क्या कमाल के फीचर्स दिए इन्होंने। आइए, अरे ये बैकपैक ना मुझे काफी अच्छा लगा भाई। क्या है भाई ये बैकपैक? अरे भाई पूरा यूआई बदल गया। ओ भाई साहब पूरा यूआई बदल गया यार। ऐसा ऐसा लग रहा है कि कोई दूसरे गेम में चला गए हो। देखो पूरा बदल गया है, पिछले वाला जो अपडेट था उससे भी पूरा बदल गया। इससे बोलते हैं भाई न्यू एरा बोलते। सब कमेंट में स्पैम कर दो कि न्यू एरा बोलते। अरे भाई अरे अल्ट्रा एचडी भी ऑन हो गया अभी। अल्ट्रा एचडी ऑन हो गया है, मगर अगर आपका डिवाइस 90 FPS सपोर्ट करता है तो 90 FPS हो जाएगा। मेरा K20 Pro है, मेरा तो अरे 855 है, मगर स्नैपड्रैगन का 855 है, मगर मेरे स्क्रीन रेजोल्यूशन सिर्फ 60Hz है, इसलिए मुझे नहीं आ रहा। अगर आपके डिवाइस में 90Hz का डिस्प्ले है और स्नैपड्रैगन 855 के ऊपर प्रोसेसर है, 855 है और 855 के ऊपर भी है, तो आपका डिवाइस सपोर्ट करेगा 90 FPS। हाँ मगर 90Hz होना ज़रूरी है। तो अब तक मैं आपको दिखा रहा था मेरा लो एंड डिवाइस है एक 4 साल पुरा, हाँ शायद 4 साल हो गए उसको लिए, जियोनी A1। तो उसमें दिखा रहा था मेरा K20 Pro में अभी एक्सट्रीम सपोर्ट करता है HDR में भी। अगर मैं इस अपडेट का बात करूँ तो भाई बहुत तगड़ा अपडेट है, मगर अगर ये
ऑफिशियली प्ले स्टोर में आ जाता तो मजा ही आ जाता भाई, क्या बताऊँ अभी। मगर क्या करें, हम तो पनौती है, पबजी बैन हो गया। तो चलो हम ऐसे जुगाड़ लगा के फिर भी डाउनलोड कर लेंगे, जब तक चल रहा है चला रहेंगे। अभी न्यूज़ भी आया, यही आसाम वीडियो से पहले देख चुके हो कि पबजी अनबैन भी हो रहा है, तो और भी कुछ खबरी है। तो चलो देखते हैं क्या होता है आगे। अरे अरे कंफ्यूज मत हो जाओ यार, ये तो पुराना एरेंगल ही है, अभी तक मैंने भी नहीं खेला है। जल्दी आपको ये भी वीडियो ला दूंगा मैं न्यू एरेंगल का। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा, तो इस अच्छा लगे वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब बटन दबा दो, उसको दबा दबा कर लाल लाल से पीला कर दो, उसको ग्रे कर दो, कुछ भी कर दो, मगर दबान हो जाना चाहिए, बस बस हो जाना चाहिए। वो कौन सा कलर करते हो आपके ऊपर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।